नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर फेसबुक ने दिया ये जवाब। केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनज़र नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने IT रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म बनाया होगा। वही ITT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़े नियमों को पालन करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक ने सरकार के नए गाइडलाइंस और प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फेसबुक ने कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए प्रतिबंध है। सरकार ने भी जो नई गाइडलाइन जारी की है, हम उन नए नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। फेसबुक प्रवक्ता ने बताया है कि हम लोग भारत सरकार के नए गाइडलाइंस का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी। महिलाओं और गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बता दें कि अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। देश में इस समय 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, 44 करोड़ यूट्यूब यूजर्स, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.7 करोड़ ट्विटर यूजर्स है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया कंपनीज़ का भारत में कारोबार करने के लिए स्वागत है, इसकी हम तारीफ करते हैं, व्यापार करें और पैसे कमाएं। उन्होंने कहा कि सरकार असहमति के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। निर्देशन के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार की है। रविशंकर प्रसाद बोले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब इस सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना हो चाहिए।